शांति। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भक्तों को भी भगवान पर कितना विश्वास होता है, अंतिम समय तक भी भक्त भगवान पर विश्वास रखते हैं, और कई बार तो किसी के शरीर छोड़ने के बाद भी उसके परिजन सोचते हैं कि यह वापस आ जाएगा। देखो, सारी दुनिया की हर तरह की आत्मा भगवान पर भरोसा रखकर ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और आप तो नंबर वन बच्चे हो, जिन बच्चों पर भगवान को भी मान है, विश्वास है कि यही बच्चे मुझे विश्व भर में प्रत्यक्ष करेंगे, परमात्मा बाप का नाम बाला करेंगे। फिर बताओ, बाबा की हर पल नजर आप बच्चों पर नहीं होगी तो किस पर होगी? जिस तरह बाप को बच्चों पर अटूट निश्चय है, इस तरह आप भी स्वयं पर, बाप पर अटूट निश्चय रख हर स्थिति परिस्थिति में स्वयं का 100% कल्याण समझ आगे से आगे बढ़ो। यह पेपर नहीं, बल्कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की विधि है, जो बस खत्म ही होने वाली है। देखो, यह निश्चय और धैर्यता का गुण शक्ति रूप में काम कर रहा है। यह परिस्थिति के समय ही पता चलता है। हर परिस्थिति में आपकी स्थिति अचल अडोल रहे, क्योंकि आपका रक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा है। बस बाप जैसे कहे वैसे करते जाओ, अचानक ही प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए बच्चे, हल्के रहो, बिल्कुल हल्के। ज्यादा सोचो मत, अर्थात कोई भी बात व कोई भी कार्य स्वयं का या किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार समझ में नहीं आता तो उसे 100% बाप हवाले कर स्वस्थिति में स्थित हो, बाप के संग आकर बैठ जाओ। हर तरफ से अपना बुद्धि योग हटा बाप की तरफ लगाओ। समय बस परिवर्तन होने ही वाला है। आप बच्चों को इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, इसलिए आप मूंझ जाते हो, परंतु बाप पर निश्चय रखो कि परिवर्तन हुआ कि हुआ। बाबा ने यह भी बताया कि जब कोई ऐसी बात व कार्य होता है जो आपकी समझ में नहीं आता कि करना चाहिए कि नहीं, तो जो पहला संकल्प उठे उस अकॉर्डिंग कर उसे बाप हवाले कर दो, अर्थात उसका रिजल्ट बाप हवाले कर निश्चिंत स्थिति में स्थित हो, बाप के संग बैठ जाओ। अच्छा, ओम शांति।